ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस विदेशों से आखिरकार भारत में दस्तक दे ही चुका है। चिंता का विषय ये भी है कि हिमाचल में भी कुछ लोग जो बाहरी देशों से आए थे उनमें भी कोरोना वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग उन पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्हें पृथक वार्ड्स में रखा जा रहा है ताकि ये और लोगों में ना फैले। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पृथक वार्ड बना दिया गया है। अगर कोई भी कोरोना से पीड़ित आएगा तो उसे तुरंत इस वार्ड में भर्ती कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस विदेशों से आखिरकार भारत में दस्तक दे ही चुका है। चिंता का विषय ये भी है कि हिमाचल में भी कुछ लोग जो बाहरी देशों से आए थे उनमें भी कोरोना वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग उन पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्हें पृथक वार्ड्स में रखा जा रहा है ताकि ये और लोगों में न फैले। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पृथक वार्ड बना दिया गया है। अगर कोई भी कोरोना से पीड़ित आएगा तो उसे तुरंत इस वार्ड में भर्ती कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने हाथ दिन में साबुन के साथ कई बार धोएं, अपने नाक कान और चेहरे को बार बार न छुएं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से दूर रहें। उन्होंने कहा कि अगर आप कोरोना से दूर रहना चाहते हैं तो आप हाथ बिल्कुल भी ना मिलाएं क्योंकि हाथ मिलाने से कीटाणु तेजी से फैलते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति विभिन्न 12 देशों से भारत आया है और उसे खांसी जुकाम है वे तुरंत अस्पताल आए और अपने टेस्ट करवाए। समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ी जो समस्या चल रही है और एक ऐसा वायरस जिसने पूरे देश को पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है, इसको देखते हुए क्योंकि चाइना से शुरू होकर आज ये 50 कंट्रीज़ में फैल चुका है। इंडिया भी अछूता नहीं रहा है। इंडिया में भी इस समय कुछ लोग हैं जो लगता है कि जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अभी तक 4 केस पॉजिटिव भी आ चुके हैं। इन सबको देखते हुए सरकार ने कोरोना वायरस से ताकि हम अपनी जनता को बचा सकें बहुत सी एडवाइजरीज, बहुत सी एहतियात बरतने के लिए कहा है। उसमें सबसे बड़ा जो हमारा एहतियात ये है कि कोई भी आदमी जो पिछले 14 दिन में अभी चाइना जाकर आया है या फिर जापान जाकर आया है, हांगकांग गया है, सिंगापुर गया है, थाईलैंड गया है, साउथ कोरिया गया है, मलेशिया था, वियतनाम था, इंडोनेशिया, इटली, ईरान, नेपाल, ये टोटल अभी तक हमारे 12 कंट्रीज हो चुके हैं जहां पर अगर वो जाकर आया है तो उसके ऊपर पूरी निगरानी रखनी है क्योंकि इन कंट्रीज में तो केसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर उस आदमी को खांसी, जुखाम, बुखार और एकदम सांस में दिक्कत होने लगती है तो उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आदमी इमीडिएटली आकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराए। आम जनता को भी यही हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई भी ऐसा आदमी है या कोई भी उनका पड़ोसी या किसी उनकी जानकारी में ऐसा आदमी है जो पिछले 14 दिन में इन किसी भी कंट्री में जाकर आया है तो उसकी जानकारी भी वो हमारे को दें या 104 नंबर पर उस जानकारी को साझा करें। हम उस आदमी को ट्रैक करके रखेंगे, उसके बारे में जानकारी रखेंगे और उनसे एक और अपील करेंगे कि वो लोग जो पिछले 14 दिन में इन कंट्रीज में जाकर आए हैं वो अपने घर से बाहर ना निकले तो अच्छी बात है। तो ये था आज का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए है के साथ। नमस्कार।